अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सभ्य अंसारी। मामला फिरोजाबाद के थाना नारखी का है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते घर से खुद भागी हाई स्कूल की छात्रा बाजरे के खेतों में छिपी। गुरुवार से गायब छात्रा को परिजनों के साथ साथ पुलिस भी ढूंढ रही थी। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने कायथा निवासी युवक राघवेंद्र पुत्र राम बाबू कुशवा को किया था गिरफ्तार। आज घर से भागी छात्रा बाजरे के खेत से निकली, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे लड़की के परिजन लड़की के साथ चप्पलों से मारपीट की परिजनों ने, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर लड़की के वीडियो हुए जमकर वायरल, जिसमें उसने खुद घर से भागने की बात को बोली। लड़की ने कहा घर वाले जबरन कर रहे थे कहीं और शादी, जिसके चलते लिया भागने का फैसला। सूत्रों की माने तो जल्द होने वाली है शादी लड़की की। लड़की है अभी नाबालिग, पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। कोई नहीं, मैं अपने आप आई। कोई जो बालक इन्वॉल्व तो ना है? नहीं, ये चार पांच बालक फंस रहे हैं। एक तो ये लड़का है। कोई नहीं, बिल्कुल गलत बात है, फंसाने की बात है। तुम अपनी मर्जी से आई हो? बिल्कुल नहीं जी, मुझे बस थाने जाना है, अपने घर बिल्कुल भी नहीं जाना। तो परेशान हो गया? नहीं, टेंशन मान लो, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस से फोन कर दो, फोन कर दो पुलिस से। अरे बाप रे, मुलायम सिंह भाई को फोन कर दो। तो मैं ऐसा पहले वहीं ना चले जाने, क्या करें? चलो आज मैं पे सीरम में बैठा हूं। माना जी, घर नहीं, मतलब थाने। किनके घर? हां, अपने घर नहीं, तुम्हारे घर नहीं। बिल्कुल नहीं, मतलब मैं कभी नहीं जा रही हूं। थाने ले जाना, क्या मानना मंजूर है, लेकिन घर जाना मंजूर नहीं। तो तुम्हें जब कोई लेके नहीं आया, तुम अपने आप इधर आ गई? हां, अपने आप आई हूं। नहीं तो अपने आप को, और कल से लोग ढूंढ रहे हैं ये लड़का भी, इसका भाई पकड़ के वहां थाने में बंद है, उसकी पिटाई की है। हाँ तो चलो तो सही है वो। नहीं, उसने तुम्हारे घर वालों ने उसे मारा भी है, फिर वो पुलिस ने भी मारा है उसको, और भी लड़के। हाँ तो यहाँ एक तो नहीं तो पुलिस को फोन कर दिया है ना, मरसलगंज का एक लड़का, उसका भी नाम बता रहे हैं, और भी है, अफवाह है ना। बिल्कुल गलत बात है, मैं अपने आप आई हूँ घर से अपनी मर्जी से, ठीक है ना। वो मुझे लुभा के नहीं लाए। पुलिस आमने पहले तो आपको ये सब करने की जरूरत थी, आप ये बताओ मुझे, क्योंकि हमें उनके साथ रहना था। देखो ऐसे नहीं रहा जा सकता, आप ये कहने से नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं जानती। नहीं, बालिग तो ना हो, बालिग हो तो भी तो चलो देख। मैं अपने घर थाने जाने के बाद मैं अपने घर फिर भी नहीं जाऊंगी। नहीं तो ये लोग घर परिवार के और भी तमाम लोग हैं, पुलिस परेशान कर रही है वैसे भी, तो उनका विचारों का। हाँ, परेशान होने तो क्या मतलब? नहीं तो वो परेशान हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर जभी तो कह रही हूँ, आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे, जल्दी ले चलो ना। और भी लोग तो भी अभी पता नहीं, अगर हम ले जाएंगे तो वैसी बात पड़ेगी ना, पुलिस आ रही है वो ले जाएंगी ना। कॉल कर दिया है पूरी नाइट से आप इधर ही हो। बिल्कुल, आज तीसरा दिन है। खाना बाना भी कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं, कछु ना खाना। ये शादी बता रहे रुक गई है 15 तारीख की है। शादी थी क्या? बिल्कुल, मुझे शादी नहीं करनी थी। देखिए आपके कहने से कुछ नहीं होता है, आप समझदार हो, आपको सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। पैसा मैं घर लिख के रख के आई थी, लेकिन क्या करूं, भूलाई, फिर मैं अपनी जिम में रख के। नहीं तो मोबाइल भी तो है, तुम्हारा मोबाइल भी तो पकड़ा गया है, तुम्हारे पास जो मोबाइल था उसमें। सब उनके पास दे दिया मैंने, तो जिनके नंबर भी तो थे। ये मम्मी पापा के लिए लिखा था मैंने, लेकिन क्या करूं, ये मेरे साथ जींस में रखा। चलो तो आप वही बात थी, पहले ही बता देती आप ये बात थी, तो फिर आपको यहाँ दुखने की क्या बात थी? सब लोग परेशान थे, आपके घर वाले, मम्मी पापा सब। आपके पापा स्टेशन मास्टर हैं? बिल्कुल नहीं,
तो आप रुक जा, वहीं जाऊंगी, अपने घर नहीं जा। नहीं नहीं आप चलना, हम लोग ले चलेंगे आपको, बेफिक्र रहो, गाड़ी पे जाओ, मुझे घर नहीं जाना। आप घर मन जाओ, आप घर नहीं जाओ, आप घर मन जाना, आप घर मन जाना बिल्कुल, और आप इन्हीं के साथ चलना।